आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज 100 मिली सेकंड। ए चार्ज्ड कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 200 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस आर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर टू द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल रिमेंस कांस्टेंट विद टाइम और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टी ए से डिनोट की जाती है, क्या होती है अपनी 1/λ के इक्वल। ये कितनी अपनी 100 मिली सेकेंड। ओके, दूसरा क्या दिया गया हमें, दूसरा दिया गया हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर मीन जो कैपेसिटर में चार्ज होता है क्यू, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट था, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस आफ्टर टाइम टी डिवाइडेड बाई आर सी। आर सी अपना टाइम कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। एंड एक्टिविटी क्या होती है अपनी, एक्टिविटी को ए से डिनोट करते हैं, ए होता है अपना डिफरेंस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस माइनस डी एन बाई डी टी। और अपना अगर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा है तो ये हो जाएगा अपना लैम्डा एन के इक्वल। और अपन एक्टिविटी एट ए टाइम टी ए लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो अपनी जो एक्टिविटी है वो क्या है, ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। उसने बोला है जो रेशियो है अपना चार्ज ऑन कैपेसिटर टू द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल मीन्स क्यू बाई ए, ये क्या हो जाएगा अपना क्यू नॉट बाई ए नॉट। ये अपना किससे, टाइम से इंडिपेंडेंट रहे, मीन्स ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो अपना टाइम तो इसी वाले इन दोनों में ही है ना, ई की पावर में। तो अगर ई अपना कैंसिल हो गया तो अपना जो रेशियो रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा टाइम से, मीन्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी और ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मीन्स यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो 1/RC हो जाए ना वो अपना लैम्डा के इक्वल हो जाए, तो अपना जो रेशियो रहेगा वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैपिटल आर आ जाएगा 1/λ × c। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो लैम्डा कितना है अपना, लैम्डा है अपना 100, 1/100, ये 100 मिली सेकेंड था, तो 100 × 10⁻³ सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा 1/10 सेकेंड। तो अपना लैम्डा 10 आ जाएगा यहाँ से, तो 1/10 × कैपेसिटेंस कितना है ऐसा यूनिट में, 200 × 10⁻⁶ फैरेड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 1/200 × 10⁵, और इसको और अच्छे से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 100,000/200 × 10³। ये कितना हो जाएगा अपना 2×10⁵ × 10³ ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 5000 ओम। ये अपना आंसर आ जाता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।